हाय गाइस, निशान चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटलाशियन, जो कि एक काफ़ी अमेजिंग कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है। एंड ये अगर तुमने सुना हो, जीरा, गिट बकेट, इन सारे सॉफ्टवेयर्स पे काम करती है। एंड इंडिया में कुछ टाइम से दे स्टार्टेड हायरिंग, लाइक 4 साल के अराउंड से। एंड लाइक दे पे वेरी कम्पिटिटिवली। जब मैं कॉलेज में था, सो दिस वॉज द फर्स्ट कंपनी जो फाइनल ईयर में आई थी, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल वगैरह ऑन कैंपस विजिट नहीं किया था ड्यू टू कोविड, बट एटलाशियन डिड विजिट एंड दे गिव द हाइएस्ट पैकेज इन कॉलेज। ठीक है, तो वही डिस्कस करने वाले हैं कि SG1, SG2, SG3 की सैलरीज कितनी होती हैं, क्या तुम्हारे रेंजेस होते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड कोई अपनी सैलरी ऐसे बताता नहीं है। तो आई ट्राई टू डिग इन टू लाइक मैनी वेबसाइट्स, फिर मैंने सीनियर से पूछा जो लोग लाइक एटलाशियन में काम कर रहे हैं, टू जस्ट क्रॉस चेक की कुछ गलत तो नहीं है। एंड दे सेड कि हाँ, ये दिस इज द एवरेज थिंग जो लोगों को मिल रही होती है। तो वही तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाले हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर एप्पल एंड अमेजॉन, ठीक है, और गूगल के लिए भी किया हुआ है। तीनों वीडियोज़ का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुमने वो तीनों नहीं देखे तो यू कैन डेफिनेटली चेक दम आउट। इसके अलावा एक बार फिर से गो थ्रू कर देता हूँ जो मोस्टली कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज अगेन। ठीक है, अगर किसी ने देख रखा तो यू कैन डायरेक्टली स्किप टू SG1, बट ये देख लेना, नहीं तो तुम वही गलती करोगे, 50/12 कर रहे होगे और घर वालों को वही बता रहे होगे, और फिर जब पहले दिन पहले महीने तुम्हारी जब सैलरी आएगी और तुम फिर रो रहे होगे, यार ये तो क्या है, ये 50/12 आनी थी, ये क्या आ रही है, 80,000-90,000 क्यों आ रही है। तो सुन लो पहले अच्छे से पूरा कि कैसे सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट होता है वो तुम्हारा बेस सैलरी होता है। बेस सैलरी जनरली तुम्हारी वो होती है जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में आने वाली है, डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, CTC नहीं आता है। CTC में इंक्लूड तुम्हारे जॉइनिंग बोनस, तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस, तुम्हारा बेस सैलरी, तुम्हारे ESOPs और RSUs, अब वो बताता हूँ आगे क्या होते हैं, और तुम्हारा रिलोकेशन बोनस, रिटेंशन बोनस, ऐसे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सारे इंक्लूड करके CTC में होते हैं। एंड या तो बेस सैलरी इज द फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड इज योर जॉइनिंग बोनस। समटाइम्स कंपनीज तुम्हें क्या करती हैं, जॉइनिंग बोनस दे देती हैं, दैट कैन वेरी अप टू 15-20 लाख रुपीज। अमेजोन ने आजकल SG2 के रोल्स के लिए 15-25 लाख रुपीज जॉइनिंग बोनस देना स्टार्ट कर दिया है। एंड ये उनकी स्ट्रैटेजी मतलब जो है वो इसलिए ताकि उनको उस पर इंक्रीमेंट ना देना पड़े नेक्स्ट ईयर। एंड अगर बेस सैलरी बढ़ा देंगे तो बेस सैलरी पे वो कंपाउंड होकर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा, सो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। बट हाँ, जॉइनिंग बोनस तुम्हारा होता है कुछ कंपनीज में लाइक 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, एंड ऐसे मतलब वो बहुत वेरी करता है, कितना भी हो सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव अ रूल कि अगर तुम 1 साल से पहले छोड़ के जाते हो तो यू हैव टू रिटर्न द होल जॉइनिंग बोनस जितना भी वो है। एंड उसके बाद थर्ड जो तुम्हारा आता है वो होता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस जनरली तुम्हारा 0-20% ऑफ योर बेस सैलरी होता है। जैसे अगर तुम्हारी बेसिक सैलरी, जो बेस सैलरी है तुम्हारी 12 लाख रुपये, तो इट इज़ फ्रॉम 1.2 लाख to 2.4 लाख, ये तुम्हारी जनरली रेंज होती है। एंड पीपल गेट ऑन एवरेज लाइक 12-16%, जो बहुत एक्स्ट्रा ओवर परफॉर्म करते हैं उनको 18-19% भी मिल जाता है। सो दिस इज द बेसिक अबाउट तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस। नेक्स्ट कम्स रिटेंशन बोनस। सिमिलरली अगर तुम 12 महीने कंप्लीट कर देते हो, 13th मंथ की सैलरी में तुम्हें एक रिटेंशन बोनस मिलता है कि तुम 1 साल रुक चुके हो। समटाइम्स इसके साथ भी वही क्लॉज होता है कि अगर तुम उसके नेक्स्ट ईयर 1 साल तक छोड़ के जाते हो तुम्हें वो सारा वापस करना होता है, बट कई बार नहीं भी होता है। सो दिस इज योर रिटेंशन बोनस। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी आती है वो आता है RSUs, विच आर रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। अब इसमें नाम में रिस्ट्रिक्टेड इसलिए क्योंकि तुम्हें अगर 20-25 लाख के स्टॉक्स मिल रहे तो दैट आर डिवाइडेड इनटू 4 ईयर्स एंड दैट आर वेस्टेड इन 4 ईयर्स। तो क्या होता है, जिस दिन तुम ज्वाइन करते हो उसके कुछ दिन बाद मतलब एक एवरेज प्राइस पे तुम्हारे लिए वो स्टॉक्स खरीद लेती है कंपनी एंड वो तुम्हारे नाम पे रख लेती है, बट यू ओनली गेट देम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हें 25% मिल रहे होते हैं जनरली कंपनीज में, कुछ में अलग अलग लाइक क्राइटेरिया होता है, कहीं कहीं 33%, 5%, 10%, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हें कोई एक कंपोनेंट मिल रहा होगा। फिर फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हारा मोस्टली क्वार्टरली वेस्ट हो रहे होते हैं, लाइक हर चार महीने में कुछ स्टॉक्स वेस्ट होते जाएंगे। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है ESOPs। तो जो कंपनीज लिस्टेड नहीं होती, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट हो गई, ठीक है, तुम्हारी स्विगी हो गई, दे आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, तो उनके ESOPs होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। उनका कुछ प्राइस होता है, दैट डिपेंड्स ऑन कौन से सीरीज, लाइक कौन सी फंडिंग उन्होंने उठा रखी है, अगर नेक्स्ट फंडिंग उठाते तो वो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। एंड यू कैन नॉट सेल देम इन पब्लिक, बट यू कैन सेल देम बैक टू द कंपनी। सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स। अब बढ़ते हैं SG1 की सैलरी पे। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं SG1 की, ठीक है। अब इसमें वही तुम्हारे तीन कंपोनेंट होता है, एक होता है बेस सैलरी, एक होता है तुम्हारा जॉइनिंग बोनस, एक होता है तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस एंड लास्ट होता है तुम्हारे स्टॉक्स। ठीक है, ये तुम्हारे सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो SG1 की सैलरी है, दिस इज इंक्लूडिंग तुम्हारा कॉलेज एंड लेटरल हायर्स। ठीक है, तो कॉलेज और लेटरल हायर का जो एवरेज है वो है कि 17-25 LPA
तुम्हारा होता है बेस सैलरी, ठीक है, 17 लाख जो है तुम्हारा कॉलेज हायर्स को मिल रहा है। ये दिस कैन इंक्रीज नेक्स्ट ईयर एंड इवन डिक्रीज, क्योंकि अभी रिसेशन वगैरह चल रहा है ऑनेस्टली, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो ज्वाइनिंग बोनस होता है वो ज़्यादा नहीं होता, 0.5 लाख्स होता है, कई बार 2 लाख्स तक भी होता है, मतलब वो डिपेंड करता है, वेरी करता रहता है। उसके अलावा जो तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस होता है, अब ये ज्वाइनिंग बोनस जनरली क्या होता है कि हर कंपनी का ना एक टूल होता है, अगर तुम्हारा बेस बढ़ा देंगे तो ज्वाइनिंग बोनस कम कर देंगे, ठीक है, बेस बढ़ा देंगे तो स्टॉक्स कम कर देंगे, स्टॉक्स बढ़ा देंगे कुछ कम हो जाएगा, तो वो एक एवरेज आउट होता है, एक रेंज होती है, जिस रेंज में तुम्हें सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। परफॉर्मेंस बोनस यहाँ पे 0 to 10% होता है, ठीक है, जनरली जैसे मैंने तुम्हारा बताया 0 to 20% होता है, बट यहाँ पे 0 to 10% होता है, एंड स्टॉक्स फाइनली तुम्हें यहाँ पे 60 लाख्स के मिल रहे होते हैं, ठीक है, 60 लाख्स तक के तुम्हें स्टॉक्स मिल रहे होते हैं इस कंपनी में। जब मैंने दिया था तो 38 लाख के स्टॉक्स मिल रहे थे फॉर 4 ईयर्स, एंड दैट इज अलॉट, बट उस टाइम बेस सैलरी वगैरह काफ़ी कम थी, बेस सैलरी दे यूज टू गिव 12 लाख्स, एंड बाकी सारी चीज़ें कम थी, ज्वाइनिंग बोनस वगैरह भी कम था, एंड मोस्टली जो कंपोनेंट था, मोस्टली जो चीज़ें थी वो तुम्हारा स्टॉक्स पे ही था, तो टोटल जो भी सी टी सी बनाते थे 50-55 लाख रुपीज़ बनाते थे, और अब जो इनका सी टी सी है दैट इज वे टू मच। ये तुम्हारा है, तुम इसको अब डिवाइड बाई 12 करके बेस सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हो, टैक्स तुम्हारा जो कटता है वो कटता ही है, तो टैक्स जो तुम्हारा होता है इस पर भी कट रहा होता है, तो डिवाइड ये तुम्हारा डायरेक्टली 7/10 ही तुम्हें मिल रहे होते हैं, मतलब 30% तुम्हारा टैक्स इसमें कट ही जाता है, तो जो तुम्हारे स्टॉक अकाउंट में आ रहे होते हैं वो इसके लाइक 7/10 ही आ रहे होते हैं, बाकी सब चीज़ों पर टैक्स कटता ही है। नेक्स्ट इज योर SG2, सेम कॉम्पोनेंट्स है, बेस ज्वाइनिंग बोनस परफॉर्मेंस बोनस एंड तुम्हारा स्टॉक्स, ठीक है, तो बेस सैलरी तुम्हारी होती है 30-50 LPA है, तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस होता है 0 to 4 लाख्स, परफॉर्मेंस बोनस वही तुम्हारा 10% होता है, एंड स्टॉक्स जो तुम्हें मिल रहे होते हैं तुम 120K US dollars टू 160K US dollars मिल सकते हैं, तो दैट इज दिस इज इक्विवेलेंट टू 96 लाख्स, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 1.3 CR, तो मतलब अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो 1.3 CR प्लस 50 लाख्स इज 1.8, एंड तुम्हें 4 लाख परफॉर्मेंस बोनस मिल गया, और 10% इसका 50 लाख का, 5 लाख तो नहीं चलो 2.5 लाख मिल गया, तो इट्स अराउंड 1.9 CR के अराउंड तुम्हारा टोटल कंपनसेशन बन जाती है ये। इन दिस केस दिस इज 25 + 60, दैट इज तुम्हारा 85, ठीक है, 85 पे ज्वाइनिंग बोनस नहीं लेते हैं, 10% परफॉर्मेंस ले लेते हैं, 5% परफॉर्मेंस ले लेते हैं, तो तुम्हारे 85+ लाख्स मान लेते हैं, चलो 85+ तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है SG1 के लिए, दैट इज़ वेरी 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 मच, ठीक है, बट दिस इज़ लाइक 4 ईयर्स का, इसको तुम्हें डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, दैट इज 15 लाख्स ही तुम्हें पहले साल मिल रहा होगा, तो 15 + 25 इज इक्वल्स टू 40 लाख्स प्लस परफॉर्मेंस वोमेंस, तो 40 लाख्स प्लस तुम्हारा फर्स्ट साल का जो सी टी सी, मतलब फर्स्ट साल का जो तुम्हें इन हैंड मिल रहा होगा टोटल वो है, प्लस थोड़ा ये ज्वाइनिंग बोनस परफॉर्मेंस बोनस वगैरह, ठीक है, तो इंडिया में भी इतनी सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, प्लस एटलाशियन हैज़ अ वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, तुम मतलब रिमोटली कहीं पर भी काम वाम कर सकते हो, तो नाइस। नेक्स्ट कम्स SG3, SG3 के सुन के तो तुम भी बहुत चक्के रह जाओगे आई थिंक, क्योंकि मैं भी रह गया था, तो इनकी बेस सैलरी होती है 51-70 LPA, एंड इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर इंटरव्यूज वगैरह अच्छे गए हो, तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव ऑफर वगैरह हो तो, ठीक है, इसमें ज्वाइनिंग बोनस वगैरह का इतना मेरे को आइडिया नहीं मिला कहीं पे भी, तो ये काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकता है, परफॉर्मेंस बोनस वही अपना 10% है, एंड जो स्टॉक्स मिल रहे होते हैं तुम्हें वो 160K US dollars प्लस होते हैं, मतलब इससे ज़्यादा ही मिल रहे होंगे, अपर लिमिट तुम्हारे वही कंपीटिंग ऑफर्स एंड काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, कितने साल का तुम्हें एक्सपीरियंस है, तो इसकी कुछ खास रेंज नहीं मिल पाई है, बट दिस इज़ लाइक 1.3 CR प्लस, ये 2 CR तक आराम से जा सकता है, तो टोटल तुम देखोगे तो 2.5 करोड़ रुपये हो गए, एंड फर्स्ट ईयर की भी तुम देखोगे तो अराउंड 1 CR प्लस फर्स्ट ईयर की सैलरी हो चुकी है। दिस इज होल एटलाशियन का पूरा पूरा जो तुम्हें सैलरी ब्रेकअप मिल जाता है, बाकी तुम साथ में कैलकुलेटर पेन पेपर लेके बैठ सकते हो, तुम लिख सकते हो किसमें कितना मिल रहा है पर ईयर, एंड या दिस वॉज इट, आई होप तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तुम्हें समझ आया होगा कि कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, तुम्हें समझ आया होगा कि ऐसा नहीं है कि बस रिमोट वर्क में ही पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, बेस सैलरी तो मिलती है बट ठीक है, मतलब छोड़ो उस पर बात नहीं करते हैं, बट या दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और किस कंपनी का तुम जानना चाहते हो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट को मैं नहीं बता सकता, उसके अलावा तुम्हें जो भी जानना है तुम पूछ सकते हो, ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।